हालेलुया हालेलुया। आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और खुदा का वचन, एक वचन परमेश्वर ने बात की आज योना की किताब से। परमेश्वर ने जब योना को भेजा, योना प्रभु का दास था, भविष्यवक्ता था, और प्रभु ने कहा योना जा नीनवे नगर को जा, वहां की दुष्टता बढ़ गई है, वहां पे लोगों के काम बहुत बुरे हो गए हैं, लोग बिगड़ गए हैं, उन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है, और जा तू देख और उनको बोल, और अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो मैं नीनवे को पूरा उलट दूंगा, मतलब पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। और 40 दिन पहले यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने योना को बोला, अब से, जब उसको आज्ञा दे रहा है प्रभु, कहता अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा नीनवे, वहां के जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी है, वो सब मिटा दिया जाएगा, जैसे सदोम और अमोरा का नाश हुआ था, सेम ऐसे ही परमेश्वर ने कहा नीनवे भी खत्म किया कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां की जो बुराई थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। आप जानते हैं दुनिया में जितने भी आज सताव आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, हाँ सुनामियां आ रही हैं, और बड़ी बड़ी जो विपत्तियां, अकाल पड़ रहे हैं, ये नॉर्मल ऐसे ही नहीं पड़ रहे, ये प्रभु का दंड है। जब पाप बढ़ता है और लोगों को लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन जब पाप बढ़ता है तो दंड भी बढ़ता है। हमेशा देखना, जहां पे पाप ज्यादा होगा वहां परमेश्वर का क्रोध भी ज्यादा होगा, वो एरिया में बार बार कुछ ना कुछ आपत्तियां, विपताएं पड़ती रहती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, जब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, अब क्या है, योना जब जा रहा है और उसे वचन सुनाया उनको, और उन्होंने क्या किया, वचन की प्रतीति की, विश्वास किया प्रभु के वचन की, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेके छोटे तक, समझ रहे, बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, सबने उपवास किया, सबको उपवास का प्रचार किया कि कोई भी कुछ नहीं खाएगा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में भी पहुंचा, वहां का जो राजा था उसके कान में भी पहुंचा कि नीनवे 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा, प्रभु का क्रोध है। तब उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और डांट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सिंपत्ति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गायें, बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। 40 दिन बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, किसने बोला, परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर ने योना को भेजा और वहां पे प्रचार किया गया और उन्होंने प्रभु के वचन पे विश्वास किया और फिर वहां पे सबको, सबने उपवास किया, जानवरों तक को भी उपवास रखवाया। हम सोचते हैं चलो इंसानों के तो उपवास है, यहाँ पे जानवरों को भी उपवास कराया,
और कहते सपने सपने। राजा ने भी अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया। टाट समझते बोरी, बोरी समझते ना, बोरी के समान टाट उसको पहन के राख में बैठ गया राजा भी। और जब सपने सब राजा ने ढिंडोरा पिटाया, सबको उपवास करना है। और जब क्या है, परमेश्वर ने देखा। मैं उपवास की सामर्थ बता रही हूं आपको। आप उपवास में हो ना एक दिन, तो उपवास की सामर्थ प्रभु की इच्छा को बदल देती है। हालेलुया। तो आज जब मैं सुबह इस वचन को पढ़ रही थी, जबरदस्त परमेश्वर मुझे प्रभु ने कहा जो ये 21 दिन का उपवास है प्रभु। मैं नहीं जानती किसी के जीवन में प्रभु का क्रोध था, हो सकता है किसी के जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा होने जा रहा था, लेकिन जब आपने क्या करा, आज्ञा मानी, जब पुलपिट से एक कमांड हुई कि सबने 21 दिन का उपवास प्रार्थना करनी है और यहां पे आना है, और जितने ऑनलाइन है सब जितने भी लोग हैं, आपने क्या किया, प्रचार कौन कर रहा है, योना, कमांड किसकी है, समझ रहे। तो जब एक अगवा यहां पे खड़ा होके आपको कोई कमांड कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है, समझ रहे। तो प्रचार योना कर रहा था लेकिन कमांड परमेश्वर की थी, इन लोगों को बोल 40 दिन में पूरा खत्म कर दूंगा, इनका पाप बहुत बढ़ गया। और योना, आप जानते हैं योना जानता था, और मैं आपको अभी आगे और योना क्या बोलता है। तब ये बात योना को बुरी लगी। क्या बात, जब उन्होंने उपवास किया तो परमेश्वर ने देखा, अरे अब ये व्यभिचार नहीं कर रहे, नशा भी नहीं कर रहे, झूठ भी नहीं बोल रहे, चोरी भी नहीं कर रहे, पाप भी नहीं कर रहे, गलत जगहों पे भी नहीं जा रहे, सब के सब, सारे जानवर सारे मनुष्य सब टाट तोड़े हुए प्रभु की दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने देखा ये अपने कुमार्ग से, बुरे मार्गों से फिर रहे। और परमेश्वर ने क्या, जो ठान लिया था कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, परमेश्वर ने क्या अपनी इच्छा बदल दी, और जो उसने ठाना था वो नहीं किया। हालेलुया। आपको पता नहीं है जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां जो तुम पे आने वाली होती है वो टल जाती है, क्योंकि तुम अपने आप को नम्र करके आज्ञाकारी होके पर अपने कुमार्गों से फिर जाते हो। हालेलुया। समझ रहे, एक सेल्फ कंट्रोल आता आपके अंदर, प्रभु का डर आता है आपके अंदर। और प्रभु ने क्या क्या लिखा यहां पर, और जो उनकी हानि करने की प्रभु ने ठानी थी उसको ना किया। समझ रहे हैं आप, ये है उपवास की ताकत। जब आप परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं उपवास और प्रार्थना और अपने आप को दीन करके। हालेलुया। और यहां पर योना को बड़ा बुरा लगा। योना कहता है और उसका क्रोध भड़का किस पर, योना का क्रोध किस पे भड़का। बहुत हंसी आ रही थी जब मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा देखो योना परमेश्वर पे, अभी मछली के पेट से निकला है थोड़े ही दिन हुए हैं, उल्टा चला परमेश्वर से, प्रभु ने मछली के पेट में डाल दिया, वहां पे दुहाई दी प्रभु ने उल्टा नीनवे में लाकर, अभी फिर क्या कर रहा है, प्रभु से लड़ रहा है, क्या कर रहा है, प्रभु पे भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही
तरतीस को भाग जाने की फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था, समझ रहे, मैंने बोला नहीं था, मुझे पता है तू मिनट में अपनी इच्छा बदल देता है। जरा सा रोध हो के आ जाए बंदा तेरे पास, बस तेरी दया हो जाती है उसके ऊपर। हाँ, गुस्से में आके तू बोलता है इनको खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, और जैसे ही रोध हो के जरा सा आते तेरे पास, तेरा दिल दया से भर जाता है। मैंने तो पहले ही बोला था मैं नहीं जा रहा, जबरदस्ती जहाज ही तोड़ दिया जिसपे मैं चढ़ा था। हाँ, मछली के पेट में डाल के यहाँ अगर यही करना था तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया प्रभु। अभी सुनो, कहता मैं पहले ही नहीं कहा था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर क्रूर है और परमेश्वर हमें दुख दे के खुश होता है। क्या लिख, वो कहता परमेश्वर मैं तुझे जानता हूं, तू करुणा निधान विलंब से कोप करने वाला और तू दुख देकर मनुष्य को प्रसन्न नहीं होता। मैं जानता हूं पिता तेरे नेचर को। और क्या लिखा है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो मत सोचो प्रभु ने हमें दुख दिया है, प्रभु कभी नहीं चाहता उसके बच्चों को दुख हो, वो कभी नहीं चाहता वो सताए जाए। इसलिए अब हे भाइयों, इसलिए अब हे यहोवा, क्या कहता, मेरा प्राण ले, मुझे मार, कहता मुझे मार दे, मेरा प्राण ले ले यहां पर। और क्या लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, मेरा जो क्रोध भड़का है, क्या तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? हाँ, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? बिना मतलब ही गुस्सा खाए जा रहा है। हाँ, मेरे लोग, मैंने बनाया इनको, मैं दया कर रहा हूं, क्या उचित है तेरा क्रोध करना? परमेश्वर पूछ रहा है योना से, क्या तू ठीक कर रहा है क्रोध करके मुझ पे? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर जाके गुस्सा होके बैठ गया और वहां पे एक छप्पर बनाकर, क्या लिखा है यहां पर, उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर का क्या होगा। अभी वो साइड में छप्पर बना के बैठ गया और देखता हूँ मैं क्या क्या होगा, नाश होगा, बचेगा? 40 दिन का टाइम था प्रभु ने दिया था उसको, और 40 दिन ये सब लोग प्रार्थना में थे। अब वो देख रहा है क्या होगा। इतने में क्या हुआ, लिखा है यहोवा ने एक पेड़ उगाया, रेन का पेड़ लिखा हुआ, रेन का पेड़, और वो पेड़ क्या है, उसके छपरी पर आ गया और उसको छाया लगी, क्योंकि रेगिस्तान था तो हवा चली, बड़ा ठंडक। और अगले दिन परमेश्वर ने कीड़ा भेजा, वो पेड़ को खा गया और वो उस पेड़ के कारण कुड़कुड़ाने लगा, उस पेड़ के कारण कुड़कुड़ाने लगा जिसको ना उसने उगाया था। तो यहां पर परमेश्वर उससे क्या बोलता है, तब यहोवा ने कहा, जिस रेन का पेड़ के लिए तू ने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हो गया, उस पर तूने तरस खाई है, मतलब उस पेड़ के ऊपर तुझे तरस आ रहा है, पर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपनी दाहिनी बाई हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? समझ रहे आप, इंसान का नेचर और प्रभु का नेचर। इंसान कहता मार दो, चक दो, खत्म कर दो, परमेश्वर मौका देता है, एक मौका, दो मौका, तीन मौका प्रभु देता है, पश्चाताप कर ले, सुधर जाए, बदल जाए, प्रभु मौका देता है, मैसेज भेजता है व्यक्ति के पास, मैसेंजर भेजता है, बात करता है। सच में मैं बता रही हूं, ऐसी जब मनुष्य बिल्कुल ही ढीठ हो जाए और कहते कौन है तू,
तब जाके परमेश्वर क्रोध भड़कता है, नहीं तो परमेश्वर इंसान को कभी नहीं। लिखा है वो विलंब से कोप करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने पहले ही दिन शैतान को घेर दिया। परमेश्वर ने पहले दिन नहीं लूसीफर को घेर दिया था। अगर पहले दिन घेर दिया होता तो एक तिहाई को थोड़ा नहीं भरमा लेता वो। परमेश्वर ने उसको मौका दिया था। प्रभु कभी भी एकदम क्रोध नहीं करता, वो विलंब से क्रोध करने वाला। जब आदम ने फल खाया हब्बा ने, तो परमेश्वर क्या प्रभु सर्वज्ञानी नहीं था? क्या प्रभु को नहीं पता था फल खा लिया? इधर आ चल फटा, क्या पूछता है आदम, तू कहां है? क्यों पूछा प्रभु ने? ताकि आदम खुद आके अपनी गलती मान ले, सारा कुछ मान ले, प्रभु ये हुआ गलती हो गई, माफ कर। प्रभु मौका दे रहा था। प्रभु ने जब कैन को पूछा, कैन तेरा भाई कहां है? क्या प्रभु को नहीं पता था कत्ल कर दिया इसने? प्रभु मौका दे रहा था कि ये माफी मांग ले। लिखा है जब हम अपने पापों को मानते नहीं है, करते हैं और ऊपर से झूठ बोलते हैं और ऊपर से मानते भी नहीं है, तब प्रभु का क्रोध भड़कता है। प्रभु विलंब से कोप करने वाला है। आदम लूसीफर एकदम नहीं गिरा, अगर गिराया होता तो एक तिहाई ना भरमाए जाते। परमेश्वर मौका देता है लोगों को सुधरने का, बचने का। तो जब बिल्कुल ही प्रभु को बहुत ज्यादा लाइटली लेने लगते हैं लोग, फिर परमेश्वर थोड़ा झटका देता है, फिर भी ताड़ना करता है, एकदम से खत्म नहीं करता ये व्यक्ति को, कहता मैं ताड़ना देता हूं। समझे? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर दुख देकर हमें प्रसन्न नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो कभी मत कहें कि परमेश्वर हमें दुख देके खुश होता है या प्रभु ने हमें दुख दिया है। प्रभु दुख नहीं देता अपने बच्चों को, ना वो प्रसन्न होता तुम्हें दुख देके। आपके बच्चे को रात को बुखार हो तेज, आप सो जाओगे? सो जाओगे? आपका बच्चा पीड़ा में तड़फ रहा, आप सो जाओगे? वो पिता है हमारा, वो तुम्हें दुख, तुम्हें तड़पता हुआ देखकर हाँ खुश नहीं होता, वो खुद तड़पता है जब वो तुम्हें तड़पता देखता है। हालेलुया।